व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो आज की वीडियो है हमारे फ्लैट में सूरज भाई और शिवम भाई की सोलो फाइट होगी टीडीएम में, और वो भी होगी M4 से असॉल्ट से। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इसमें होंगे तीन मैच की सीरीज, टूर्नामेंट होंगे तीन मैच के, और इसमें से जो भी दो जीत गया वो विनर घोषित होगा। और जो आज विनर घोषित हो गया, दोबारा कभी जिंदगी में इस फ्लैट में वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तुमसे अच्छा खेलता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं, देखते हैं पहले कौन बनाता है कस्टम रूम। नहीं कुछ भी फेंको, नेट भी फेंक सकते हो, सब हाँ ठीक है, तुम फेंको नेट फेंको। तो सूरज भाई हमारे एसी के सामने बैठे हैं, क्योंकि इनके अंदर पसीने का बड़ा इश्यू है, इनके हाथ में बहुत पसीना आता है और ये कई बार हार चुके हैं, इसी वजह से तो बाद में कहते हैं मेरे हाथ में पसीना आ गया था। तो इसीलिए पसीना वसीना सुखा के बैठने जा रहे हैं और हमारे शिवम भाई गेम स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा जो कस्टम रूम बनाएंगे वो मिस्टर आशुतोष पांडे बनाएंगे। देखिए कैसा होता है मैच, सीधा मैच में शिकारी भाई है हमारे और ये कातिल, और शिकारी और कातिल का गनफाइट हो गया और ये कातिल को मारा शिकारी ने। तो मैं आपको बता दूं, शिकारी हमारे शिवम भाई हैं और कातिल हमारे सूरज भाई हैं। तो इसमें शिकारी भाई ने गिरा दिया लीड लेके 1-0। ये इन्होंने आराम से बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया, आप वाइड रेंज में देख सकते हो, एक नेट पे का और कातिल भाई बचते हो उससे, क्या बात है। कातिल भाई ने भी नेट फेंका, चूतिया वहां कोई है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, आप लोग इंटरेस्ट बनाए रहे, गेम में बने रहे। कातिल ढूंढते हुए शिकारी ने पूरा टीपीपी का सहारा लिया हुआ है, नई टीपीपी छोड़, तो शायद कातिल को पता चल गया है कि शिकारी कहाँ है, या शिकारी को दिख रहे हैं कातिल कहाँ है। और ये हुई गन फाइट और वापस से गोलियां चलती हुई बरसात का मौसम में, कभी हम कभी तुम, और ये गिराया कातिल ने शिकारी को। तो अभी आप देख सकते हो 1-1, ठीक है, दोनों बराबरी की टक्कर पे है, कातिल ने शिकारी को मारा और शिकारी ने कातिल को। अब वापस हम वाइड रेंज में लेके जाएंगे एक बार और देखेंगे कातिल शिकारी की फाइट, शिकारी फिर से मरे, कातिल ने मार दिया, तुम साले चूतिया क्या कर रहे हो बे, दिख ही नहीं रहा कुछ सही से। हाँ ये फिर से फाइट हुई, कातिल शिकारी भागता हुआ, कातिल भागता हुआ शिकारी, शिकारी शिकार कर नहीं रहा, भाग रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ से गोली खाने का मतलब है खेल खत्म, और खेल खत्म। तो तुम्हारे उर्फ कातिल भाई आगे चल रहे हैं और इधर शिकारी भाई ने मारा, ओ बहुत ही अच्छा डैमेज दिया शिकारी, स्ट्रेटजी से कातिल मारता है लोगों को और इस बार मरेगा, मेरे को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में वोट करके बताइए, और वोट करके बताइए कि कौन मरेगा। और मर गया फिर से शिकारी, देखते हैं इस बार क्या होगा। पॉइंट लिया, कुछ पॉइंट दोनों ने अचीव किया है और बहुत ही प्यारा कातिल को गिरा दिया शिकारी ने। वह होता है दोनों टीपीपी पे है एंड दोनों फ्री फायर देने की कोशिश, और ये लिया वापस से शिकारी ने लीड, नहीं नहीं उल्टा हो गया, वापस से फ्री फायर में आते हुए शिकारी और वापस से खत्म खुशबू पाते हुए। आप देख सकते हो इस बार कातिल बढ़िया से डैमेज है, लेकिन देखते हैं शिकारी मौके का फायदा नहीं उठा पाए, इतने अच्छे मौके का फायदा भी शिकारी नहीं उठा पाए, बहुत फायर में आगे शिकारी, ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और नहीं बचने की संभावना बहुत कम। अब आपको दिखाते हैं कुछ फेस एक्सप्रेशंस, ये हमारे हैं शिकारी भाई जो बहुत मन से गेम खेल रहे हैं, आप देख सकते हो चढ़ के मारा, चढ़ के मारने के मूड में प्लेयर, फ्री फायर में आता और बहुत ही अच्छा मारा इस बार शिकारी ने कातिल को, कुक नेट नहीं था इसीलिए बच गए शिकारी, फ्री फायर में शिकारी ने दिया और वाओ बहुत ज्यादा शूट में आ गए, आप देख सकते हो क्या कर रहे हैं हमारे शिकारी भाई, दीवार चढ़ने लगे, तुरंत फौजी बन गए, बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा, ओ हो बस दहराज की तरफ बढ़ते हुए, और ये आशुतोष चूतिया पकड़ते हुए, अबे भाई सही से पकड़ ले फोन, फाइट हो रही है लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है हमारा शिकारी भाई को, आप देखते हो ओ भाई क्या लेफ्ट राइट कर रहा है हमारे कातिल भाई। चले मैं आपको कातिल भाई का मुंह दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाता हूँ, आप कातिल भाई का मुंह देख सकते हो, बहुत सीरियस जोनाथन के बाद में ये, और आप देख सकते हो फोन की ब्राइटनेस इतनी तेज है कि ये आप कह सकते हैं कि फोन में कुछ ना कुछ तो खेल है इनके, क्योंकि इनके पास वन प्लस का फोन है, और आप गेम प्ले देख सकते हो इनका, गेम मूवमेंट आप देखो बहुत ही प्यारा मूवमेंट, फ्री फायर में हमेशा ले लेते हैं लेकिन इस बार चले गए, हमारे शिकारी भाई ने मार दिया।
आशुतोष भाई हमारा चुतिया पा कर चुके हैं, आंख आंख मींज रहे हैं। वापस से कातिल भाई जाते हैं स्टेडियम में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सेकंड बचे हैं और इसी में स्ट्रेटजिक गेम प्ले का डिसीजन होगा। शिकारी मरते हुए वापस से 5 की लीड पे आते हुए करते हुए बहुत ही अच्छा टीपीपी पे है, बार बार दोनों टीपीपी ले लेते हैं, शूट करते हैं टीपीपी लेते हैं, आप देख सकते हो क्या ही गेम प्ले। कातिल मरते हुए शिकारी ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया। आखिरी के 4 सेकंड बचे हैं, आप देख सकते हो 3 सेकंड पहला मैच ओवर होने वाला है और कातिल जीत गए 4 पॉइंट की लीड के साथ। 4 पॉइंट की लीड के साथ कातिल जीते हैं पहला मैच। अब हमारे बीच में होगा दूसरा और तीसरा मैच, तो वो भी जैसा अपडेट होगा आपको दिखाते हैं। मैच हो चुका है, कातिल जीत चुके हैं 4 पॉइंट के लीड के साथ और दूसरे मैच में हमने चीफ गेस्ट बुलाया माननीय डब्ल्यू शुक्ला, जो कि सीधा बेचल से आए, हम सबके लिए उपस्थित हुए हैं। रात का मैच देखने हैं, रात का शो था 1:30 बजे का, तो दूसरे मैच में हम लोग VIP जो हमारे चीफ गेस्ट आए ये पूरा उद्घाटन कर चुके हैं और इनका सपोर्ट है किसी को नहीं, आप देख सकते हो। आप बहस करेंगे और इसी बहस के लिए टूर्नामेंट कराया गया, तो आप देख सकते हैं सूरज मूड बना के मारते हैं। मैच खत्म हो गया मेरे भाई, पहला मैच 4 की लीड से कातिल जीत चुका था, दूसरा मैच 1 की लीड से शिकारी जीत चुका है। तो अब है ये आखिरी मैच और ये फाइनल करेगा कि इन दोनों में आखिर कौन है असली योद्धा। तो चलिए इस आखिरी मैच का पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। और जो हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं वो बनियान पहन के इस वक्त नॉर्मल मूड में और ये शिकारी के साथ बैठे, ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, किसी को नहीं, तो ये किसी को सपोर्ट नहीं, ये साइंस की तरफ है, ये साइंस की तरफ है, KGMU की तरफ है। और आप देख सकते हो हमारे कातिल भाई बीच बीच में अपना गंदा पानी भी देखते रहते हैं क्योंकि इनको पता है बियर पुल इतना स्पॉन्सर नहीं करता कि ये 4 वक्त का खाना खा सके। और तो आपको मैं बता दूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आशुतोष को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके सीओम भाई को भी फॉलो कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सूरज भाई को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इतना समय नहीं है कि वो आपका कोई भी चीज दे क्योंकि बहुत बिजी है, शेड्यूल है उनका, उनके पास समय नहीं होता सांस लेने का। और अब आते हैं सबसे बड़े योद्धा पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट को आप जरूर जाके फॉलो करें, उनके सबसे कम फॉलोवर है 250 फॉलोवर। हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनको जाके फॉलो करिए, इंस्टा पे आपको लाइव मिले ना मिले अपनी पुरानी पोस्ट के साथ कोई ना कोई ऑडियो लगा के जरूर मिल जाएंगे। भाई आखिरी मैच शुरू होने वाला है, बस इंतजार खत्म होता हुआ फाइनल रिजल्ट आपके नजर में बस 15 मिनट में। तीसरा मैच है और आखिरी फाइट है, बचे मात्र अपने पास 20 सेकंड और फाइट देख सकते हो, कातिल 13 किल के साथ और शिकारी 10, तो 3 पॉइंट की लीड लेते हुए कातिल आगे चल रहे हैं, 13 सेकंड बचा है और ये गेम में आपको बता दूं कातिल की जीत पक्की हो चुकी है। और वापस से कातिल मरे, अब 2 पॉइंट की लीड है और 4 सेकंड बचा है, 3-2-1 और कातिल विन कर चुके हैं इस गेम को। कातिल अरे कातिल भाई जीत चुके हैं और ये हमारे MVP प्लेयर हैं आज के, और चीफ गेस्ट हमारा, चीफ गेस्ट उनको तोहफा दे रहा है, चीफ गेस्ट ने हाथ उठाया लात मारा और ये तोहफा दे दिया। और आप देख सकते हो आज से शायद शिकारी भाई नहीं बोलेंगे कि मैं अच्छा खेलता हूँ, आज से ये डिस्कशन यही खत्म। और इस व्लॉग का मेन रीजन यही था कि इस वीडियो के एंड में आपको ये पता चल जाए, फालतू बात नहीं। मैं TDM प्लेयर हूँ, मैं 24 घंटा TDM खेलता हूँ तो जीतना मुश्किल है, लेकिन भाई हमारा गेम प्लेयर है वो चिकन डिनर निकालता है गेम में, IGL भाई हमारा। तो चलिए इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं और आप सबको पता चल गया कि कातिल और शिकारी की फाइट में जीत हुई कातिल की, 3 मैच में 2 कातिल 1 शिकारी। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, बहुत जल्दी बियर बुल स्पॉन्सरशिप करेगा इन सभी प्लेयर्स को। बाय बाय, लव यू ऑल, और इसको आप लोग जरूर जाके फॉलो करें, अच्छा कुछ नहीं है लेकिन बस कर लेना। चलो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, आगे डिस्कशन आधा घंटा।